अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैल के सिटी के आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल लॉयल प्रो, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अभी जो है ना समीर भाई का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि रवि भाई कह रहे हैं कि वो जो है ना मेरे भाई का जो है ना मार्ट है तो उस पर विजिट करना है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आए थे तो कह रहे थे कि पाकिस्तानी जो है ना थोड़े से स्नैक्स वगैरह जूसेस वगैरह कौन कौन से तो मैं ट्राई करूँ। तो मैंने कहा चलो फिर, तो अभी फ़ोन आया है कि रवि भाई कह रहे हैं कि आ जाओ तो फिर चलते हैं मार्ट पर। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि अचानक फ़ोन किया तो मुझे जो है ना अभी फिर जल्दी जल्दी मैं गाड़ी उठानी पड़ी। गाड़ी क्योंकि मैं अपने पास खड़ी नहीं करता हूँ, गाड़ी की जगह ही नहीं है खड़ी करने की, बाइक होती है मेरे पास। तो जल्दी फटाफट से जो है ना मैंने गाड़ी पकड़ी है और फिर अभी जा रहा हूँ उनके होटल, तो वहाँ से लेके जो है ना फिर जाएँगे सीधा मार्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग पहुंच चुके हैं मार्ट की तरफ, रवि भाई हमारे साथ हैं। रवि भाई देखना चाह रहे हैं ना फूड वगैरह कैसे होता है, स्नैक्स वगैरह, लोकल स्नैक्स, लोकल प्राइसेस भी देखना है। और मैं सोच रहा था मैं पेट्रोल का दाम, पेट्रोल का वो मैंने देखा आपका वो रील भी देखा, सभी लोग बता रहा है क्यों असली अदर चीज का दाम भी बोलो, इसलिए हम चल रहे हैं। रवि 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 चावल कितना है सब बोलना, चावल वावल आपको सब हर चीज मिल जाएगी। सो चावल दिखाइए, एक किलोग्राम, एक केजी। तो अभी जो है ना मार्ट पे आए हुए, तो यहाँ से जो है ना फैजान से ऑर्डिनरी रेगुलर चावल दिखाओ, ओपन। ओके ये चावल कितना है, 1 kg, 5 kg కేజీలు గోధుమ పిండి ఇండియా డబ్బుల్లో 210 రూపాయలు, పాకిస్తాన్ లో 780 పాకిస్తానీ రూపీస్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ దూద్ కిత్నా హై, 1 లీటర్ దూద్ రెండో పాకిస్తానీ మిల్క్, 1 లీటర్ హై క్యా, దిస్ ఇస్ లీటర్. ఓకే హౌ మచ్ ఇస్ 1 లీటర్, 280 రూపీస్, 280 రూపీస్. తో హమారే బహుత్ ముష్కిల్ హై యా, 180 ఇండియన్ రూపీస్, 80. सो लीटर पेट्रोल, लीटर पेट्रोल का तो लीटर पाल 80 रुपए, 80 रुपीस इंडियन, ओके 280 280 इंडियन रुपीस, अच्छा इंडियन रुपीस, इंडियन रुपीस तकरीबन, ऑल एप्रोक्सीमेट, डोंट कोट मी पल्सेस। इसमें केजी मिलता है, ये क्या है, तूर दाल, इसको क्या बोलते हैं, चने की दाल, चने की दाल, चने की दाल कितना है, 1 किलो 260 तकरीबन 90 रुपए याद किया, कल भी इनको बोला की भाई क्यूँ, मैंने खुद ही बोला की मैं नहीं आ रहा, आप लोग जाओ दूर, हमारा काम था वरना हम तो चलते तुम्हारे साथ यार, बिल्कुल बोले। Oh, 8 rupees Indian. 8 rupees. 8 rupees Indian. I think in India you may not get it for 8 rupees. But good to know. Aur Maggi kuch hai? Maggi hai, pasta hai, Maggi sab hai. Okay. Pani 1 liter pani kitna? Pani bata, pani. 30 rupees. Okay, 30 Indian rupees. 30 India rupees lo. Idi 1 liter. Okay? Aur kya? मन जीड़ीपप्पु पालु 90 रुपीस बोले 30 रुपीस तकरीबन 30 रूपयू 28 నుంచి 30 రూపాయలు ఇది బా ఏంటి జీడిపప్పు పాలు ఓకే कितना है 3 mg सर 200 रुपीस तकरीबन, पाकिस्तानी प्रोडक्ट दिखाना है ना, हाँ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, द बेस्ट प्रोडक्ट पाकिस्तानी, पकोला, पकोला, ओ पकोला बहुत अच्छा है यार, टेस्ट सुपर है, सुपर पकोला टेस्ट सुपर है, मैं टेस्ट किया अजलान शाह की घर में, क्या टेस्ट है, कितना है पकोला, 90 रुपीस अंटे इंच मिंच का 20 रूप का सेम थे इंडिया, हां रूप सा, वो एक कितना है रूप सा, ये 450 अभी जो है रेट मालूम करे जा रहे हैं, तो रिपेयर कर रहे हैं की इंडिया में जो है कितनी महंगाई है, यहाँ कितनी महंगाई है, इंडिया के मुकाबले में जो है ना यहाँ पे कितने किस प्राइस पे चीजें हैं, तो वो सारी जो है कर रहे हैं।
हाँ भाई ओनर लोग क्या हो रहा है? नोट है यहाँ पे रुपए इंडिया 150 रुपीस इंडियन. ऑल दीज आर अप्रोक्सीमेट प्राइसेस, प्लीज डोंट डांस ऑन माय हेड. ओके ओपन हार्ट. यस इंडिया में भी है सेम सेम है. इंडिया में भी भाई बोलेगा ओपन हार्ट सर्जरी. ओपन हार्ट नहीं सेम है यार. आवाम तो दोनों साइड सेम है. इंडिया में भी दिल बहुत बड़ा है. सो आप देख रहे भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए. कराची लोग तो इधर भी देखेंगे ना, लोकल लोग हमारे इसमें बोल रहे इनके मार्ट का नाम क्या. आजम बस्ती में अल तमीम. सो वेरी टेस्टी. जस्ट लाइक यूएस के यार आज जो है मुझे थोड़ा एक किसी ग्रोसरी स्टोर या किसी मिनी मार्ट में ले जाए तो रिजवान भाई के जो है और इनके जो ब्रदर्स मिलके चलाते तो वहां हम आए हुए. और रवि भाई ये अमेरिका में एक कैशियो मिल्क मिलता है. टेस्ट सेम अच्छा है. लेकिन काजू तो गोवा का फेमस है बहुत ज्यादा. काजू की अगर बात करें काजू हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पलासा एक टाउन है. बहुत काजू फैक्ट्री है. रवि भाई आपको कैसा लगा पाकिस्तानी स्टोर? बहुत अच्छा लगा यार. हाँ. मैं सोच भी नहीं सकता हूँ. मैं पहले बार आया. हाँ. बहुत डर लगा पाकिस्तान आने का. हाँ. क्योंकि ऐसा परसेप्शन था. लेकिन पाकिस्तान लोग बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं. इंडिया जैसा. हाँ. कोई फर्क नहीं है. लोगों ने सोच के रखा हुआ है. हालांकि आवाम के मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो पहला बार 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 से देख रहा था पाकिस्तान. अभी आई एम गोइंग एवरीवेयर ना, स्मॉल स्मॉल स्ट्रीट, छोटा छोटा लोकेलिटी. बहुत अच्छा लग रहा है. इंडिया में कैसा जाता हूँ ऐसा पाकिस्तान में जा रहा हूँ. कुछ डर नहीं था. एंड रिजवान भाई मुझे बोला कई बार मोबाइल ऐसा मत पकड़ो, ऐसा मत दिखाओ, कोई छीन लेगा. मैं बोला ये तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम. मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अब तक. लेकिन एक मिनट के बाद को जाए ऐसा डेस्टिनी कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा सब हो जाए. भगवान श्री राम की कृपा सब अच्छा है. तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई जो है ना लोकल यहाँ पे जो दिखा दो. तो फैजान का जो है ना ये मार्ट था तो मैंने कहा चलो यहीं ले आया हूँ. तकरीबन 17 lakhs इंडियन. सो 17 lakhs स्टोर इन्वेस्टमेंट. मैं सोच रहा हूँ कम है, इंडिया में ऐसा स्टोर और ज़्यादा लगता है. सो 17 लाख्स इंडियन. तो हमारी जो है ना चाय आ चुकी है. और क्या है भाई? और बताओ आपका नाम क्या है भाई? फैजान अली. फैजान अली. फैजान अली. भाई क्या अभी एक ही पार्टी ना रवि भाई. टॉयस 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 ना ओचिंदे. हां तो तेलुगु में कहेंगे कि टी ओचिंदे. रवि भाई ने एक वर्ड सिखाया. रवि भाई आपको बता दें फैजान से कंडोम का रेट दिखाइए. क्या किसका किसका जरूरी है किसका रेट बताए. पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है इंडिया में पाकिस्तान में. क्या किसका रेट बताए. इतना कंडोम कंडोम का रेट. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ. दिखाओ ना क्या कहते हैं इसमें शर्मा ने के बाद. वी डोंट हैव कंडोम्स. वी डोंट हैव कंडोम्स. इसीलिए पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो रहा है यार. కండోమ్స్ అడిగాను. కండోమ్ ఎంత అంటే కండోమ్ లేదు అంటున్నాడు. అందుకే పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది. పాకిస్తాన్ కండోమ్ ఇస్ మెడికల్ ఐటమ్. ఓ yes. ఓ కండోమ్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్. నో నో. ఓ మెడికల్ స్టోర్ మే మిల్తా హై. ఆ హా. కిత్నా హోగా కండోమ్ బరాబర్? 5 పీస్ ప్యాకెట్. కిత్నా? 90 100 rupees 100 rupees 5 piece. So 8 piece 20 rupees 20 rupees. So 6 rupees ek condom. Party guy. Ha Ravi bhai. एक मुझ पे एहसान करना मैं बहुत खुश होगा. ओके सब लोग कहते हैं कि एक चीज वहाँ मिलता है इंडिया में और तुम्हारी ये बहुत अच्छा है. वो केरला में मिलता है आयुर्वेदिक. नहीं नहीं मेरे वास्ते ये तेल ऐसा ले हमारा बाल आ गया. अगर नहीं देख रहे हो भी बता दे ताकि मैं उसको बोलू. नारियल तेल मिलता है. आपका कुछ चीज नहीं मिलेगा ऐसा सोच रहा था. लेकिन इधर देख रहा हूँ सब ऑल आइटम्स आर अवेलेबल. सो दाम भी रीजनेबल है. एंड इंडिया से कंपेयर करने से थोड़ा सम आइटम्स इंडिया में ज़्यादा है, थोड़ा आइटम्स पाकिस्तान में ज़्यादा है ऐसा. सो तकरीबन दोनों सेम टू सेम जैसा लग रहा है. $1 वॉज ओनली 180 रुपीज पाकिस्तान. दूसरा बार आए इट वॉज ओनली 210 रुपीज. तीसरा बार आ गए
अभी 283 हो, 280 है। अगर आप 6 मंथ पहले आते हैं तो 315 और 320 तक पहुंच गया था ना, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन होगा। अभी जो है ना मार्ट जो है ना पूरा विजिट कर चुके हैं रवि भाई, और काफी अच्छा लगा उनको, देखना चाह रहे थे कि क्या प्राइसेस हैं पाकिस्तान में, किस तरह है क्या नहीं, तो वो जो है ना उनका एक्सपीरियंस जो है ना बहुत अच्छा रहेगा। बराबर है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो जो है ना कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे वो महंगाई तो जाहिर सी बात है हर स्टेट के हिसाब से अपनी होती है। हाफिजान कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा मिलके। भाई जो है ना इंडिया के बेस्ट सबसे बड़े यूट्यूबर, और सिर्फ एक मुल्क बचा है जो घूमना है। यूट्यूबर नहीं हो इंडिया का, इंडिया में बहुत ज्यादा यूट्यूबर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको कि सिर्फ ट्रैवलर, हाँ ट्रैवलर है, सिर्फ एक मुल्क जो है ना बचा है, वो 2 महीने में कंप्लीट करेंगे। मैंने वीडियोस देखी है ना, असली सिसली पाकिस्तानी ड्रिंक है ना। हाँ हाँ, पाकिस्तान से आया इंडिया, रूह अफ़ज़ा ट्राई करो, आप रिकॉर्ड कीजिए। कैसा लगा आपको? ये इंडिया में होता है रोज मिल्क, रोज मिल्क का टेस्ट और रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बराबर बराबर है ना, बराबर है। रूह अफ़ज़ा इन पाकिस्तान, दूध 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 का तो फर्क होगा ना, मिल्क का फर्क फर्क होता है, लेकिन टेस्ट तो बराबर है। उधर थोड़ा इसमें थोड़ा स्वीट है इंडिया में, अच्छा सो ये थोड़ा कम स्वीट है, चीनी नहीं डाला होगा ना। हाँ, नेचुरल। मैं जब बच्चा था बहुत ऐड आ रहा था इंडिया में एडवर्टाइजमेंट, रूह अफ़ज़ा क्या जवाब में ये सब। अरे अरे वीडियो बन रही है, किस चीज की? व्लॉगिंग। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ, सो सॉरी जानू। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ऐसा वीडियो बनाता भाई, ओके ओके, सलामत रहे, थैंक यू, थैंक यू। निकले हैं मार्ट से, और रवि भाई आप बताएं कैसा लगा मार्ट? सही था, सुपर्ब यार, इन्वेस्ट के हिसाब से पूछा, फर्स्ट क्लास, एकदम सुपर्ब एक्सपीरियंस, रियल रियल लाइफ इन कराची देखा, सो बहुत अच्छा लगा। और ये इलाका भी आपको देखा होगा, नेचुरल, सब अलग लोग कैसे थे? बहुत अच्छे एरिया के हिसाब से, बहुत प्यार दे रहा है, प्यार बहुत इज्जत दे रहा है। इंडिया में कितना अच्छा है लोग, ऐसा ही इधर भी है। सो आवाम के दिल में कुछ नफरत नहीं है, सब लोग में मिला अब तक बहुत अच्छे थे। तो गाइस अभी जो है ना इस व्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, रवि भाई खुद कहें, रवि भाई आप मेरे व्लॉग को एंड करें। या सो एवरीबॉडी प्लीज सब्सक्राइब टू लॉयल ब्रो एंड रिजवान भाई को सपोर्ट देना, इसको चैनल बढ़ाना और व्यूज देना, शेयर करना, लाइक करना भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।